नेक्स्ट लाइन जो मैं आपको बता देने जा रही हूँ ये है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन हमारी आंख को घूमने की दिशा देती है। डॉट्स जब डॉट लाइन के रूप में आ जाती है, जैसे ये देखिए ये डॉटेड, तो इसमें हमें लाइन की भी फीलिंग आती है और डॉटेड भी। ये क्या करती है, ये स्पेस क्रिएट करती है। ये कम स्पेस में मतलब आँखों को खुला रखती है, सब कुछ बिचा बिचा सा नहीं होता। जैसे ये हमारा सूट का पैटर्न है, ये देखिए। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको पूरा पूरा भर दूँ, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक मोटिफ ये दिया, एक यहाँ दिया, इसमें मोटिफ में डायरेक्शन तो है लेकिन उसके साथ ही एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। स्पेस क्रिएट होने से हमारी आंखों को एक कूल फीलिंग आ रही है, भरा भरा नहीं है, थोड़ी सी जगह बनती है। तो ये इफेक्ट है हमारा डॉटेड लाइन्स। जहाँ भी हमें स्पेस देना होता है, जैसे हम साड़ी में देखते हैं कि एक तरफ हमारा बॉर्डर होता है, जैसे ये साड़ी का बॉर्डर हो गया मान लो, और बीच बीच में हम छोटी छोटी बूटियाँ दे देते हैं, तो दैट इज़ लाइक ए डॉट्स। ठीक है, अब हमारा आता है कर्व लाइन्स। कर्व लाइन्स या हम जैसे स्पायरल लाइन्स, ये भी कर्व लाइन्स का ही प्रकार है। जैसे इनको हम वेवी लाइन्स भी बोलते हैं, वेवी लहरों के आकार की। जो कर्व लाइन होती है, चाहे वो वेव में हो चाहे कर्व में हो या स्पायरल में हो, ये हमारी आंखों को कूल इफेक्ट देती हैं। जैसे क्योंकि इनके किनारे नहीं होते, वेवी लाइंस में क्या नहीं होते, किनारे नहीं। तो जो हमारी आंखें मूव करती हैं, जैसे सपोज ये गोलाई दी है, जैसे नेक लाइन की गोलाई है, या यहाँ पे जैसे ये प्रिंसेस लाइन की गोलाई है, जो गोलाई वाले पैटर्न होते हैं वो हमें फेमिनिन लुक देते हैं, सॉफ्ट लुक देते हैं और अच्छे लगते हैं, हमारी आंखों को भले प्रतीत होते हैं। अब आती है जिगजैग लाइंस। अगर जिगजैग लाइंस का हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट जानना चाहें तो ये हमारी आंखों को जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव से भी संबंधित नज़र आती हैं। और ये लाइनें थोड़ी सी आप देख रहे किनारे वाली लाइनें हैं, तो ये दिखने में वेवी लाइंस जैसी होने के बावजूद भी, ये देखिए जो वेवी लाइंस में स्मूथनेस आ रही है वो आपकी जिगजैग लाइंस में स्मूथनेस नहीं आ रही है। इनमें हल्का सा एक बिखराव सा, मतलब ये हमारी जो मेंटलिटी है उसको थोड़ा सा कुंद करते हैं, थोड़ा सा नैरो माइंडनेस बनाते हैं। तो लेकिन डिज़ाइनिंग में हम ड्रामेटिकल इफेक्ट के लिए, जैसे यही डिज़ाइन है हमारा, कुछ हटके कुछ इस टाइप से, कुछ ड्रामेटिकल इफेक्ट के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।